मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ छत पर चाय पीने के लिए। तो छत पर आना सुबह सुबह जो है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस सुबह के कामकाज की वजह से बिल्कुल भी आने का टाइम नहीं मिलता। आज मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट जल्दी उठ गई थी तो मैं छत पर आ पाई हूँ, वरना तो फिर सुबह के काम करते करते ही ऑफिस के लिए टाइम हो जाता है। तो फिलहाल मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। तो ऑफिस से आने के बाद आप लोग, तो फ्रेंड्स नाश्ता कर लीजिए। तो मैं खा लेती हूँ फटाफट नाश्ता और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी करते हुए बस ऑफिस का टाइम हो ही जाता है तो फटाफट नाश्ता करना पड़ता है। तो मैं करती हूँ नाश्ता। तो मैंने आज नाश्ता और लंच एक साथ ही बना लिया। वैसे तो एक साथ ही बनाती हूँ, लेकिन सब्जी जो है ना मैंने दोनों की आज एक साथ ही बना ली। चने बना लिए मैंने तरी वाले, अब वो दिन में भी चल जाएंगे और नाश्ते में भी चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर और आज मैं आ गई हूँ थोड़ी जल्दी। तो आज मैं बैठूंगी छत पे और धूप सेकूंगी, क्योंकि धूप सेकने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं आती हूँ शाम को और तब तक धूप चली जाती है। तो आज जल्दी आई हूँ तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी और धूप सेकूंगी और छत में ही बैठकर चाय पीऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने छत पे। आह, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कुर्सी भी लगी है तो अब मैं यहाँ पर बैठ के मज़े से चाय पीऊंगी। और आप लोगों को ना यहाँ मेरे फेस पे देखो, आप लोगों को दिख रहा हो रेड रेड सा कुछ दिख रहा है? तो ये भी क्या हुआ कि मैं बड़ी को प्यार कर रही थी और इतने में माइलो भी आ गया और माइलो भी मेरी तरफ लपका और बड़ी भी मेरी तरफ लपका कि मैं प्यार करूँगा। तो दोनों ने सर मार दिया मेरे यहाँ पे। तो सर लगने की वजह से देखो कैसे लाल सा हो गया। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा सा लगता है जब मैं घर आ जाती हूँ ना जल्दी, तो उस दिन ऐसा लगता है कि क्या क्या काम करूँ। अभी तो एक मेन काम है मेरे पास, जो मेरे प्लांट्स हैं बाहर, तो मुझे उसके ऊपर एक शेड सी डालनी है। और अभी टीन की शेड तो मैं डाल नहीं सकती, तो मैं सोच रही थी कुछ टेम्प्रेरी, कुछ कपड़ा वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा टेम्प्रेरी सा हो कुछ जो मैं उसके ऊपर डाल सकूं, ताकि अब अगले महीने से वो कहते हैं ना पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो पाला पड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर प्लांट्स ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कम पैसे में कुछ कवर वगैरह कर लूँ पौधों को। तो आज जल्दी आ गई हूँ तो कोशिश करूँगी कि कुछ कर सकूँ। और ये देखो माइलो भी आ गया है, पता नहीं माइलो ने सर मारा या बड़ी ने सर मारा मेरे। बड़ू कैस्पर नहीं आया? कैस्पर नहीं आया? कैस्पर ही माइलो, माइलो को तो पास में जाओ ना, पता नहीं क्यों लेट जाता है। ये देखो ऐसे करते हैं माइलो, ये देख ऐसे माइलो। ओले, मेरी कीची भी आ गई। कैचे, कैची को खुशबू लग गई क्या? हम यहाँ आ गए, कैची को खुशबू लग गई क्या हमारी? हाँ कैची, आज तो उठ के भी नहीं आया मुझे लेने के लिए गेट पे। आज लेट आ रहा। हाँ आज लेट आ रहा, मुझे लेने भी नहीं आया गेट पे। आज सुस्ती दिखा दी। तो ऋषभ लेकर आ गया है चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपने गांव की जो कीर्तन मंडली है उनसे मिलाऊंगी, और आप लोगों ने उनको हमारी जो भाई लोग पार्टी मिली थी उसमें भी देखा होगा। उससे पहले मैं आपको मेरे घर में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा एक प्लांट है वो लगाया था,
और अब इसमें बहुत सुंदर फूल आने लग गए हैं और काफ़ी बड़ा हो गया ये पेड़, बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को मंदिर में। तो हमारे मंदिर में जो है भजन कीर्तन चलता रहता है, आंटी रोक दिन्छु सबैलाई रोक दिन्छु रोक दिन्छु हैं। अच्छा हाँ, नहीं सब लोग डांस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो गाने भी बड़े अच्छे अच्छे चुन रखे थे ना। और सबको डालने के लिए ना मुझे छोटा छोटा करना पड़ा, नहीं तो भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। भजन कीर्तन हो गया है और अब भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं कीर्तन से आ चुकी हूँ घर और अब देखती हूँ अपने घर के काम। वैसे तो कीर्तन में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन आज चलो भगवान जी की कृपा से कीर्तन में जाने का टाइम लग गया, क्योंकि और दिन तो मेरी छुट्टी देर से होती है तो जाने का टाइम ही नहीं लगता। चलो आज टाइम से छुट्टी हो गई थी तो कीर्तन में भी शामिल हो गए। तो हमारी नेहा जो है हमेशा की तरह आज भी चाय लेकर आई है और अब मैं लूंगी एक बार और चाय का आनंद। तो दोस्तों मेरी चाय आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।